Hey everybody, this is Brijesh here, और आप देख रहे हैं CABA Infoventry. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन के अंदर ग्रैंडफादरिंग के बारे में. आपको एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ. सन 2018 से पहले एक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था. यानी कि आपने कोई भी शेयर परचेस किया, कभी भी परचेस किया, और आप 2018 से पहले अगर उसको सेल करते थे और उस पर आपको 1 रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक, 100 करोड़ रुपए तक कितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या प्रॉफिट होता था, उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. लेकिन 2018 में जेटलीज आपको यह ध्यान आया कि भैया ये लोग तो बहुत कमा रहे हैं, तो क्यों ना इनके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाया जाए. और उन्होंने 10% टैक्स उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगा दिया. टैक्स लगाते ही सारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो गए. अब हमारा क्या होगा, हमें तो बहुत सारा इनकम टैक्स देना पड़ेगा अपनी शेयर मार्केट की अर्निंग्स पर. जब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाया तो सरकार एक नया कंसेप्ट भी लेकर आई, वो था ग्रैंडफादरिंग. बहुत सारे लोगों के लिए ये ग्रैंडफादरिंग का कंसेप्ट एकदम नया होगा, जिसे उन्होंने इससे पहले शायद नहीं सुना हो. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ग्रैंडफादरिंग कैपिटल गेन से किस तरह कनेक्टेड है, मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्रैंडफादरिंग होता क्या है. तो देखें दोस्तों, ग्रैंडफादरिंग इज एन ओल्ड कंसेप्ट यूज्ड इन वेरियस लॉस इंक्लूडिंग टैक्सेशन लॉस. ये स्पेसिफिकली सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर ही नहीं लगता है, बल्कि ये किसी भी लॉ या टैक्स लॉ में इस्तेमाल किया जाता रहा है. कैसे, देखिए, जैसे किसी टैक्स लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया और नया लॉ बना दिया गया, या फिर किसी इनकम को टैक्स करने के लिए नया लॉ बना दिया गया जो कि उससे पहले टैक्सेबल नहीं थी. देखिए, आपने तो जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय जो उस समय का एप्लीकेबल लॉ था उसको ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था कि भाई आपको इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी कमाई होगी, जो भी इनकम होगी या जो भी अर्निंग होगी वो फुल्ली टैक्स फ्री होगी और आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि नया लॉ आने से आपका जो पुराना डिसीजन था पुराने लॉ के बेसिस पर, वो कंप्लीटली अफेक्ट या चेंज हो जाता है. कैसे, मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया पास्ट जिसमें आपको बोला गया इन्वेस्टमेंट करते समय कि इस पर जितनी भी इनकम होगी वो पूरी की पूरी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि टैक्स फ्री होगी. यानी कि इनकम चाहे 1 लाख हो या 5 लाख या 10 लाख हो या 1 करोड़, सारी की सारी टैक्स फ्री होगी और उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो आपने ये सोचकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भैया ये तो पूरी तरह टैक्स फ्री है. अब वन फाइन मॉर्निंग आपको ये बोल दिया सरकार ने कि अब तो ये इनकम सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट तो आपने तब किया था, यानी कि पास्ट में किया था, और इनकम आप आज अर्न कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट पहले करी थी लेकिन इनकम आप आज अर्न कर रहे हो या अब अर्न कर रहे हो, अब आपको इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा. आपने इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर किया था कि इसके इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब इस पर इनकम टैक्स देना है, ये तो नुकसान हो गया ना आपको. आप तो हल्ला मचा दोगे, आप तो यही कहोगे ना कि भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट ही ये सोचकर की थी कि इस पर मुझे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. दिस इज नॉट फेयर. जैसे कि जेटली साहब ने 2018 के बजट में किया, उन्होंने कह दिया कि 31 जनवरी 2018 के बाद से जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे वह एक्विटी शेयर्स पर हो या
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर हो उस पर आपको 10% यानी कि 10% टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में। अब कुछ ऐसा हो जाए कि जिन लोगों ने पुराने लॉ के हिसाब से अपना डिसीजन लिया था और उसके बेस पर अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उनको नए लॉ से रिलीव कर दिया जाए, बोल दिया जाए कि ये नया लॉ आपके ऊपर नहीं लगेगा, किसी तरह से ऐसा कर दिया जाए जिससे कि आपको या तो कोई भी नुकसान ना हो या कम नुकसान हो। इस चेंज ऑफ लॉ की वजह से दिस इज नोन एज ग्रैंडफादरिंग। यही किया जेटली साहब ने 2018 के बजट में, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ये कहा कि इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट प्राइस 31 जनवरी 2018 को है, अगर आप अपने ओन इक्विटी शेयर्स को उस प्राइस पर या उस प्राइस से नीचे पर 31 जनवरी 2018 के बाद सेल करते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जिस डेट को आपने उसको परचेज किया था उस डेट से और 31 जनवरी 2018 तक आपने जो भी प्रॉफिट या मुनाफा किया है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री। अब आप सोचिए, आपने पेज इंडस्ट्रीज, MRF, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस के शेयर को बहुत साल पहले खरीदा था, तकरीबन 10, 20 या 30 साल पहले। इन शेयर्स को या तो आपने इनकी IPO में खरीदा था जो कि बहुत ही कम प्राइस थी, या फिर आपने इनको मार्केट से खरीदा था बहुत साल पहले, उस समय इसकी प्राइस भी बहुत कम थी मार्केट में, लेकिन आज उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन शेयर्स पर बाद में आपको बहुत सारे बोनस शेयर्स भी मिले समय समय पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज MRF की कीमत तकरीबन 80,000 रुपए है, पेज इंडस्ट्रीज की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए है, रिलायंस की कीमत तकरीबन 2,000 रुपए और इसी तरह इंफोसिस की कीमत तकरीबन 1,400 रुपए होगी। ग्रैंडफादरिंग के थ्रू जेटली साहब ने शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ी छूट और फायदा देने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन सारे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने बहुत पहले कम रेट पर किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और उन शेयर्स की 31 जनवरी 2018 को जो भी मार्केट वैल्यू थी उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया, अगर इन्वेस्टर अपने इन शेयर्स को 31 जनवरी 2018 से पहले सेल कर देता था तो उसको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर नहीं देना पड़ता था। अब मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू ग्रैंडफादरिंग के कंसेप्ट को शेयर करता हूँ। सपोज कीजिए, आज से 30 या 40 साल पहले आपने कोई शेयर लाइक MRF खरीदा, जब उसका ओरिजिनल इशू आया उस समय आपको MRF का शेयर 10 रुपए में अलॉट हुआ था, उसके बाद आपको उस पर बहुत सारे बोनस शेयर भी मिले समय समय पर। आज MRF की कीमत तकरीबन 80,000 रुपए है, आपने इन शेयर्स को नहीं बेचा इस उम्मीद पर कि जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे की तब आप इन शेयर्स को बेचेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई टैक्स तो लगना नहीं है उसकी प्रॉफिट पर। लेकिन बीच में 2018 में जेटली साहब का नया अमेंडमेंट आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर की, ये उसके ऊपर 10% टैक्स चार्ज करेंगे। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आप उसको आज बेचने जा रहे हैं जिसकी कि मार्केट प्राइस 80,000 रुपए है। अब अगर आप इस शेयर को आज सेल करते हैं तो आपको 80,000 दैट इज योर सेल प्राइस माइनस 10 रुपीज दैट इज योर कॉस्ट प्राइस एट विच यू परचेज द शेयर, तो आपको 79,990 रुपीज पर 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन का बेनिफिट लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि 31 जनवरी 2018 को MRF की मार्केट प्राइस क्या थी। दोस्तों, 31 जनवरी 2018 को MRF की मार्केट प्राइस थी 70,000 रुपीज। तो अब आपकी 70,000 रुपीज
डीम्ड कॉस्ट प्राइस हो जाए इस MRF के शेयर की। रुपीज 10 की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज की जगह पर आप जो कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे उसके लिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ना लेकर आपको सेल प्राइस माइनस डीम कॉस्ट प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस ऑन 31 जनवरी 2018 लेंगे तो आप MRF के शेयर की सेल पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा कुछ इस तरह 80,000 दैट इज योर सेल प्राइस माइनस 70,000 दैट इज डीम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 10,000 यानी कि अब आपको इन प्लेस ऑफ 79,990 की जगह पर सिर्फ 10,000 पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा तो हो गई ना एक जबरदस्त टैक्स सेविंग आपके लिए और वो भी लीगली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक उसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA इन्फोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।